the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again see potassium is also a mineral This body ke important hai the body is sabhi kaam ke liye ati cheez hai, potassium बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है पोटेशियम आपके सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं वो आपके नर्व्स आपकी मसल्स और आपके हार्ट के फंक्शंस मसल हार्ट भी एक मसल सो so, आपके नर्व्स आपकी मसल्स के फंक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है पोटेशियम का बैलेंस होना आपकी हार्ट बीट रेगुलर रहती है पोटेशियम के बैलेंस से अगर आप ज़्यादा बात अगर ये और एक काम करता है पोटेशियम जो सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन लेके जाने का काम करता है न्यूट्रिशन लेके के न्यूट्रीन प्रोडक्ट्स लेके जाने का काम करता है और जो सेल uh, uh, जिसमें आप जो अगर आप पोटेशियम रिच डाइट लेते हो तो सोडियम के कुछ अगर हाई सोडियम है तो पोटेशियम ज़्यादा रहेगा ना तो वो बैलेंस कर सकता है आपके हाई सोडियम कंटेंट को थोड़ा बहुत तो वो हेल्प करता है सोडियम so, को कम कर ब्लड प्रेशर कम करने में भी हेल्प करेगा इनडायरेक्टली सो so, पोटेशियम कहाँ से मिलता है सोडियम तो सॉल्ट से मिलता है पोटेशियम मिलता है जो आप खाना खाते हैं उन चीज़ों से पोटेशियम बहुत कॉमनली मिल जाता है चीज़ों से और हम बात करेंगे पोटेशियम की कि पोटेशियम किन चीज़ों में मिलता है पोटेशियम मिलता है आपको ग्रीन लीफी ग्रीन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से स्पिनच uh, uh, या पत्ता जो वो होगी ग्रीन वाली पत्ता गोभी अपनी uh, uh, पालक मेथी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट से मिलता है जैसे कि आपके हो गए ग्रेप्स और ब्लैकबेरीज इनसे मिलता है रूट वेजिटेबल से मिलता है जैसे कैरेट पोटैटो राइट इनसे मिलता है गाजर और इनसे और सिट्रस फ्रूट से मिलता है ऑरेंजेस ग्रेप फ्रूट से सो so इनमें सब में पोटेशियम होता है केले में काफी सब पोटेशियम है रिमेंबर दैट सो आपकी किडनी को भी पोटेशियम की सही मात्रा में आवश्यकता होती है द राइट अमाउंट अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है तब तो और भी ज्यादा जरूरी है वरना क्या होगा अगर किड आपको टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि किडनी आपकी पोटेशियम नहीं निकाल पाएगी ब्लड से क्रोनिक किडनी डिजीज से और यही काम हो सकता है कुछ दवाइयों से कुछ दवाएं आपकी पोटेशियम लेवल बढ़ा सकती हैं कुछ तरीके की डाइट आपके पोटेशियम लेवल बढ़ा सकती है स्पेशल डाइट आपकी पोटेशियम लेवल कम कर सकती है आपको वॉमिटिंग हो जाए आपका डायरिया हो जाए तो पोटेशियम इम हो सकता है डायोरेटिक्स आपका पोटेशियम कम कर सकता है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा कि पोटेशियम इम्पॉर्टेंट है पोटेशियम बैलेंस अगर आउट हो गया तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं रिमेंबर दैट सो so, पोटेशियम uh, अगर बैलेंस आउट होगा तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हार्ट की रिदम में हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम होगी हार्ट रिदम प्रॉब्लम आएगी एट्रियल फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स वेंट्रिकुलर फ्लटर बहुत कॉरे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सिर्फ अगर पोटेशियम के लेवल में गड़बड़ी आ गई तो सो रिमेंबर पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस परस्पेक्टिव तो आपको पोटेशियम uh, को बीच बीच में मेजर करना चाहिए या फिर ये याद रखना चाहिए थोड़ी सी हाई पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए कोकोनट वाटर इज़ वेरी हाई एंड वेरी रिच इन पोटेशियम सो अगर हम बात करें खासकर गर्मियों में पोटै कोकोनट वाटर चाहिए आपको बॉडी में पोटेशियम रहेगा बॉडी प्रोटीन बना पाएगी कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर पाएगी सेल के अंदर मसल बना पाएगी मेंटेन कर पाएगी ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसिड बेस बैलेंस सब कंट्रोल कर पाएगी पोटेशियम से फूड सोर्सेज हमने बता दिया आपको मिल्क योगर्ट नट्स इनमें भी पोटेशियम काफ़ी होता है इवन जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें भी होता है कीवीज़ में एप्रीकॉड्स में बहुत सारी चीज़ों में होता है सो यू कैन गो फॉरवर्ड विद डैट लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा पोटेशियम ले लिया तब भी थोड़ा हार्मफुल है हैविंग टू मच पोटेशियम और वैसे टू लिटल भी हार्मफुल है वो दोनों सीरियस कंडीशन है अगर तो बहुत कम हो गया पहले वो जिसको कहते हैं हाइपोकैलिमिया हाइपोकैलिमिया हाइपोकैलीमिया में आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद कम महसूस ताकत कम महसूस होगी आपको हार्ट की रिदम प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बताया रिदम में अब नॉर्मलिटी आ सकती है ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा लेवल पोटेशियम का कम होगा तो साथ ही आपको अरिदमियाज हो सकते चक्कर आ सकता है याद रखिए डायोरेटिक्स वाटर पिल ले रहे हैं हार्ट फेलियर वाली दवाएं हैं उनसे पोटेशियम कम होता है अगर आपको हार्ट फेलियर है पोटेशियम रेगुलर चेक करना पड़ेगा अगर आप बहुत ज्यादा लेग्जेटिव लेटरिन पतली करने की दवाई खा रहे हैं तो भी पोटेशियम कम हो सकता है अगर आपको ज्यादा वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है या आपको किडनी की प्रॉब्लम है या से कुछ दूसरे हाल में पोटेशियम अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा हो गया जिसको कहते हैं हाइपर हाइपर कैलीमिया अगर होगा तो डेंजरस वो ज़्यादा डेंजरस है जिसमें हार्ट के ऊपर पहले डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन आता है हार्ट के अंदर रिदम प्रॉब्लम आता है सीधा सीधा प्रॉब्लम आता है हाइपर कैलीमिया होता है किडनी फंक्शन अगर खराब है और किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही पोटेशियम निकाल नहीं पा रही है या फिर कुछ प्रकार की हार्ट की मेडिकेशंस ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिकेशंस मेडिकेशन एसिनिबिटर्स एनजियोटेंसिम रिसेप्टर ब्लॉकर्स उनसे भी होता है काफ़ी कॉमन है इसलिए पोटेशियम रेगुलर चेक करना होता है और पोटेशियम स्पैरिंग डायोरेटिक्स भी आते हैं स्पायरोन या फिर कोई सिवियर इन्फेक्शन हो जाए मान लीजिए उसमें भी पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है बात ख़त्म बात आती है पोटेशियम कितना लेना है पोटेशियम की जो ज़रूरत है आपको वो है एक छोटे बच्चे से लेके बारह महीने बारह पूरे एडल्ट आ, एडल्ट लेके उम्र तक मैं बताऊंगा नॉर्मल छोटे बच्चे को 400 मिलीग्राम से आ, 800 मिलीग्राम साढ़े आठ मिलीग्राम तक की ज़रूरत होती है छः महीने तक 400 मिलीग्राम पर डे और उसके ऊपर 12 महीने तक एक साल तक 860, 850 मिलीग्राम और जो छोटे बच्चे तीन साल तक 2000 मिलीग्राम आठ साल तक फिर थोड़ा ज़्यादा चाहिए 2300, फिर 13-14 साल तक फिर वो इतना ही चाहिए होता है मतलब 18 साल की उम्र तक 2300 और मेल्स को थोड़ा ज़्यादा चाहिए ढाई ढाई हज़ार तीन हज़ार के आसपास और जब आप एडल्ट मान लीजिए एडल्ट एज में और पूरे उम्र तक ओल्डर तक आपको अप्रॉक्सीमेटली फीमेल्स को 2600 और मेल्स को 3400 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए होता है ना सोडियम की बात हमने अगर करें तो नॉर्मल मात्रा में आपको बाईस ग्राम टू 2.2 ग्राम्स टू मिलीग्राम बाईस सौ मिलीग्राम बाईस सौ मिलीग्राम सोडियम चाहिए होता है पूरे दिन में और अगर आप लो सोडियम डाइट में भी जा रहे हैं तो फिफ्टीन हंड्रेड मिलीग्राम पंद्रह सौ ग्राम पंद्रह सौ मिलीग्राम सोडियम आप जरूर लेंगे सो ये ही एडल्ट की बात जो आपको समझनी है राइट right. uh, इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझने हो गया आपको किडनी की बीमारी है हार्ट की बीमारी है पिशाब ज़्यादा आने वाली दवाएं ले रहे हैं तो आपको सोडियम और पोटेशियम लेवल्स इलेक्ट्रोलाइट्स किडनी फंक्शन के साथ रेगुलरली चेक कराने हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन में आप ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम पे कॉन्सेंट्रेट करना है पोटेशियम डाइट में वैसे ही कम होता है तो केले वेले खाइए नारियल पानी पीजिए और फ्रूट्स व्रूट्स खाते रहिए अगर आप नहीं खाते देन दर इज एन शो बहुत ज्यादा खाते हैं देन थोड़ा उसको बैलेंस करना पड़ेगा और सोडियम पोटेशियम रेगुलर चेक करना पड़ेगा दैट्स ऑल फॉर टुडे प्लीज आस्क के क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन आल्ट्राइन आंसर एस एज